हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। अभी तक अपन कुछ वीडियोज के अंदर अपन कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं रिएक्ट जेएस की। आज अपन जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो पहले मैं प्रोग्राम अपना मतलब ये कोड जो है रिएक्ट जेएस का मैं चला चुका हूँ, तो आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि स्क्रीन पर अभी ऐप अकेला लिख के आ रहा है, लेकिन ऐप भी क्यों लिख के आ रहा है। और मुझे अगर अभी फंक्ट यहाँ पे शो कराना है, फंक्ट मैं इसको शो कराता हूँ। शो किस तरीके से कराते हैं, अपन उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको इस तरीके से कैपिटल लिखेंगे, UNCT इस तरीके से एक्सेस कर लेंगे अपन। अभी अपन स्क्रीन पे देखेंगे तो अभी फंक्ट शो हो रहा है अपन को, ऐप की जगह यहाँ पर फंक्ट शो होने लगा। लेकिन ये क्यों होने लगा, क्या रीज़न है? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है यहाँ पे कि अपन ने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक कर रखा है। ये जो फंक्शन अपन ने बनाया फंक्ट नाम से, इस फंक्शन रिटर्न ही कर रहा है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको वो रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न करने के बाद उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब क्या है, रिटर्न करने का मतलब इस फंक्शन को कॉल करने पर रिटर्न करना। तो इस फंक्शन को जहाँ पर कॉल किया गया उस जगह पर रिटर्न किया, वो बात एक अलग है। लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्ट करने का मतलब है कि आपने इस फाइल से इसको एक्सपोर्ट करा चुके हैं, आप इस फाइल से इसको एक्सपोर्ट आप करा चुके हैं। तो इस यानी कि अब इसके अंदर इतनी क्षमता है कि अभी दूसरी फाइल के अंदर भी जाके इसको कॉल किया जाता है। अगर अपन यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड ही हटा देते हैं, तो अभी आप इसका रिजल्ट देखना कि सबसे पहले एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, क्योंकि बिना एक्सपोर्ट कीवर्ड के आप इस फंक्शन को दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट वो ऐसा कीवर्ड है जो इसको एक ऐसी सुविधा देता है कि जिसकी मदद से ये दूसरी फाइल के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को तो आप समझ गए होंगे, इतना समझाने के बाद तो समझ ही जाता है आपको। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक। अब मैं जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि रिएक्ट जेएस कुछ नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट की चाहे लाइब्रेरी हो या फिर कोई फ्रेमवर्क हो, रहता तो वो जावास्क्रिप्ट ही है। ऐसा थोड़ी हो जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अलावा दूसरी चीज़ उसके अंदर कुछ यूज होने लगती है, केवल जावास्क्रिप्ट यूज होती है। लेकिन क्योंकि लाइब्रेरी को किसी और ने डिजाइन किया है, फ्रेमवर्क को किसी और ने डिजाइन किया है, तो उन्होंने अपने कुछ तरीके कुछ रूल बना दिए हैं जिनके द्वारा उन वो रूल के द्वारा अपन को चलना पड़ता है, उसके द्वारा ही अपन अपने कोड को लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से अपन फंक्शन बनाते थे, बिल्कुल सेम तरीके से अपन यहाँ पर भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक सौम्या नाम से फंक्शन बना देता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि console.log, ऐसा लिखता हूँ कि सौम्या जी बहुत सुंदर है। तो ये वाला फंक्शन अपन बना देते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला फंक्शन पूरी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से रन करता था, सब कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे एक फ्लो है, जब भी आप एक्सपोर्ट लगाएंगे एक्सपोर्ट कीवर्ड के साथ, अरे इसको छोड़ो, एक्सपोर्ट कीवर्ड के साथ इस तरीके से सौम्या लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है कि आप उस फंक्शन को दूसरी फाइल में इम्पोर्ट करने के काबिल आप बना रहे हैं। लेकिन आ गया, पहले इसको कॉल ही कर लेते हैं ना, फिर मैं जब एरर आएगी तो समझाऊंगा कि हाँ उस एरर से क्या मतलब है। कॉल किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इसको कॉल करेंगे। अभी थोड़ा सा समझा दूँ, अभी थोड़ा सा सब्र रहो, पूरा समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको बंद करना है इस तरीके से, और इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन यूज करते हैं। फ्रेगमेंटेशन को उठाया अपन ने और फ्रेगमेंटेशन को इस तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, और अपना जो है स्क्रीन पे अभी आप देखिएगा केवल फंक्ट अकेला शो हो रहा है। और मैं अगर कंसोल पर भी जाऊं, इंस्पेक्ट करेंगे कंसोल पे जाऊं, तो अभी एक एरर या वार्निंग शो होगी आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि जो सौम्या टैग है वो अनरिकॉग्नाइज है इन दिस ब्राउजर, इफ़ यू वॉन्ट टू रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स विथ एन अपर केस लेटर। इस चीज को आप ध्यान रखना हमेशा के लिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी फंक्शन को आसानी से अपन बना सकते हैं, आसानी से कॉल कर सकते हैं, आसानी से कहीं दूसरे में पास भी कर सकते हैं। लेकिन
रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शन बनाने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि दूसरी फाइल के अंदर वो कॉल हो जाए, तो वो बोलता है कि यस, वो केवल लिमिटेड फंक्शन है जो दूसरी फाइल के अंदर कॉल हो सकते हैं। ऐसा रिएक्ट जेएस ने अपने को बताया है, उन्होंने अपना ऐसा रूल बना के रखा है कि जब भी आप ऐसा करेंगे किसी दूसरी फाइल के अंदर अपने फंक्शन को एक्सेस कराना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस फंक्शन का पहला लेटर कैपिटल करिए, और नहीं किया तो एरर मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको कैपिटल करिए, और यहाँ पर भी मैं कैपिटल करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कैपिटल करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी देखने और समझने वाली चीज़ थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी लिख के आ जाएगा कि सौम्या जी बहुत सुंदर हैं, जो लिख के आ गया, और ये सच भी है, सौम्या जी सच में बहुत सुंदर है। तो फंक्ट में चल, देखो ऊपर आपने देखा कि यहाँ पे डिफॉल्ट लगा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट बिना डिफॉल्ट लिखे हुए कर दिया। तो जब उनने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख के किया, यानी कि जब डिफॉल्ट कीवर्ड लगाया तो इसका मतलब जब आप ये वाला फंक्शन था भी नहीं तब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा था, अब ये वाला फंक्शन है भी, सौम्या वाला फंक्शन है, लेकिन फिर भी ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा। अगर मैं सौम्या वाला फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से इसको अगर हटा देता हूँ, लेकिन फिर भी फंक्ट तो कॉल होगा ही होगा। पहले तो अपन ने सौम्या को किया है यहाँ पे, तो वो भी एरर देगा, लेकिन इसको भी अगर मैं हटा दूंगा तो फिर वो एरर चली जाएगी, और यहाँ पे फंक्ट तो कॉल होना ही होना है। देखो यहाँ से चला भी गया कि सौम्या जी बहुत सुंदर है, ये लिखा हुआ था, ये भी जा चुका है। तो इसको वापस लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं कंट्रोल जेड और इस तरीके से वापस लाऊंगा। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ सागर नाम से, क्योंकि इसको भी पहला लेटर कैपिटल करना पड़ेगा, तो पहला लेटर इसका भी कैपिटल करता हूँ मैं, और इसके अंदर एक डिप देने की कोशिश करता हूँ कि एक डिप दिया, इसके अंदर लिख दिया मैंने सागर बेट्स, नहीं सागर अकेला लिखता हूँ अभी जाना नहीं, और इसको मैं इसको पास करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये पास होता है, इस तरीके से पास करते हैं, एरर नहीं आएगा। अभी एक चीज़ देखना आप कि जो भी मैं करूँगा उसके बीच में कुछ भी एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो डेटा है वो वहाँ पे शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सागर, और इस तरीके से अपन ने बनाया, लेकिन अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो डेटा नहीं आया, सौम्या वाला डेटा आ गया होगा। सौम्या वाला अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल पे, तो सौम्या जी बहुत सुंदर हैं, ये वाला डेटा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये जो यहाँ पे एक डेटा जो लिखा हुआ है डिप सागर, वो क्यों नहीं आया। तो फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि अपन रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो जैसा कि रिएक्ट जेएस का रूल कहता है कि जब भी किसी भी फंक्शन को आप रिएक्ट जेएस के अंदर बनाएंगे, उसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसको आप स्क्रीन पर शो कराना चाहते हैं, एक बार ध्यान से सुनना, कंसोल की बात नहीं हो रही है, स्क्रीन की बात हो रही है, स्क्रीन पर अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ऊपर अपन ने कंसोल पर शो कराया था इसीलिए वो शो हो गया, लेकिन यहाँ पर अपन को ये चीज़ कहाँ पर शो करानी है, स्क्रीन पर शो करानी है, इसीलिए ये नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न लिखने के बाद अपन यहाँ पे बंद कर देंगे। और अभी ये कोड क्यों चल जाएगा और क्यों स्क्रीन पे शो हो जाएगा, क्योंकि अपन ने रिटर्न कीवर्ड का यूज कर दिया, और रिटर्न कीवर्ड की मदद से सागर स्क्रीन पे शो होने लगा। लेकिन बार बार बहुत आता है, तो लेकिन इसलिए आता है क्योंकि अभी भी अपन को इसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन का याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इसके अंदर एक और डिप देता हूँ जिसके अंदर लिखता हूँ सागर बेट्स सौम्या, तो ये एरर दे शो हो रहा है, एरर शो हो रही है और एरर आएगी भी, देखना चाहते हो तो इस तरीके से अपन देख भी सकते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि एडजेसेंट जेएस एक्स एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोजिंग टैग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऐसा सोचा कि इस वाले फंक्शन के ऊपर वाले फंक्शन के अंदर तो आपने फ्रेगमेंटेशन का यूज कर दिया, और नीचे वाले के अंदर आप फ्रेगमेंटेशन का यूज नहीं करेंगे, तो आप एक गलत सोच रहे हैं। कितने भी फंक्शन बनाओ, कितना भी कर लो, एक फाइल के अंदर फंक्शन आप 1000 बना सकते हो, 1000 के 10000 भी बना सकते हो, लेकिन उन सब के अंदर फ्रेगमेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्ट के जो बेसिक रूल हैं उनको आप नहीं भूलना,
और अगर आप भूल भी जाओ तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको याद दिला दूंगा। सागर बैठ सौम्या भी लिख के आ गया। तो इस तरीके से जो है अपन इतनी सारी चीज़ें अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ये वैसे आप यहाँ पे आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे, कितने भी अपन फंक्शन बनाएं यहाँ पे अपन इस तरीके से कॉमा लगा के उसका नाम लिख दो और वो फंक्शन भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अपन इम्पोर्ट की मदद से उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि अभी आप देख रहा होंगे कि सागर बैठ सौम्या सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद सागर आ रहा है, उसके बाद संकट आ रहा है। मैं अगर चाहता हूँ कि सागर बैठ सौम्या सबसे ऊपर ना आए, नीचे आए, तो क्या करूँगा, फंक्ट के नीचे यहाँ पे कर दूंगा। अभी देखो फंक्ट ऊपर हो गया, सागर बैठ सौम्य नीचे और सागर और नीचे हो गया। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है कि रिएक्ट जेएस जो कोड रीड करता है, रिएक्ट जेएस जो कोड रीड करता है वो ऊपर से नीचे की तरफ रीड करता है। उसको नहीं मतलब तुमने फंक्शन कहाँ पर डिक्लेयर किया, कहाँ पर नहीं किया। फंक्शन तुम भले ही सबसे ऊपर डिक्लेयर कर दो, लेकिन अगर तुमने कॉल उसको नीचे किया है तो वो नीचे से ही कोड लिखना शुरू करेगा, ऊपर कोड नहीं लिख देगा। ऊपर उसने जो लिख दिया वो लिख दिया, वो नहीं मिटाएगा। वो कहेगा मैंने यहाँ पे कोड लिख चुका हूँ, अब मैं इसको मिटा नहीं रहा। आपने नीचे फंक्शन को कॉल किया है ना, तो आप नीचे कोड लिखवाइए। तो इस तरीके से जो है रिएक्ट जेएस कोड को पढ़ता है, क्योंकि अपन को क्या है ना कंपाइलर के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर कंपाइलर के हिसाब से अपन सोचना शुरू कर देंगे अपने कोड के लिए, तो अपना जो एरर का चांस है वो कम पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जिस तरीके से अपन कोड को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं पेज के ऊपर, रेंडर करवाना चाहते हैं, उस तरीके से अपन का कोड रेंडर हो जाएगा। और इसके अंदर वैसे एक तरीका और होता है इसको पास करने का, जैसे यहाँ पर अपन ने इस तरीके से पास किया और यहाँ पर अपन इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट अपन चाहते हैं कि यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा अपन को नहीं करना। तो अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट का और एज लिख के स्ट्रिक्ट एज, और यहाँ पे आप फिर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो तरीका नहीं बताऊँगा क्योंकि वो बहुत ही मतलब इनअप्रोप्रिएट तरीका है। किसी भी एज ए डेवलपर तो मैं कभी नहीं यूज करना चाहूँगा उसको, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो वाला तरीका आप यूज करें। अगर आप किसी दूसरी वीडियो के जरिए जान भी लेते हैं तब भी मैं नहीं चाहूँगा कि आप, मैं क्या मतलब कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा इनअप्रोप्रिएट तरीका है जिससे आपको खुद में कन्फ्यूजन होने लगती है कि मैंने क्यों कर रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आता कुछ कई बार के कहाँ से पोर्ट से कहाँ चलने लगा। तो इसलिए वो तरीका तो बताना भी उसमें वैलिड नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अब मन में कोई डाउट है या संदेह है किसी बात को लेके तो कमेंट सेक्शन में तो आप बता ही सकते हैं, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। बहुत ही जल्द कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि सर एक मीटिंग हो सकती है, तो मीटिंग का बता दूँ कि मीटिंग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए। मैं वैसे भी मैं कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट मीटिंग लेता हूँ, तो वो गूगल मीट से डायरेक्ट आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, जब भी मैं गूगल मीट पे किसी और के साथ या दो चार लोगों के साथ मिलकर मीटिंग लूँगा तो आपको लिंक भेज दूँगा और आप मुझसे वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।